बिना दाल भिगोए बिना बेले बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी ये उड़द दाल की कचौड़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल की फटाफट बिना दाल भिगोए उड़द दाल की टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी। तो उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक बड़े कप ये उड़द दाल लिया है। और उड़द दाल को आपको क्या करना है कि इसको आपको बहुत ही अच्छे से धो लेना है। तो अब हम उड़द दाल को एक से दो पानी बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उड़द दाल को अच्छे से पानी से एक दो पानी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उड़द दाल को पानी से साफ़ कर लिया है। तो इस उड़द दाल की कचौड़ी को आप महीनों तक खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एकदम हलवाई जैसी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम में हम ये उड़द दाल को अच्छे से भुनेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मीडियम फ्लेम में हम उड़द दाल को भुनेंगे। तो मैंने बताया कि आप इसे महीनों तक खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी इतनी क्रिस्पी बनती है उड़द दाल की कचौड़ी। तो ये देखिए, फटाफट बिना दाल भिगोए बिना कुछ किए, आप जब भी आपका कचौड़ी खाने का मन करे तो आप इस तरह से उड़द दाल की टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी खा सकते हैं। इस उड़द दाल की कचौड़ी की खास बात है कि आप इसे एक बार बना के स्टोर करके रख लेंगे तो पूरे महीने आपका जब मन करेगा तब आप आसानी से खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप परफेक्ट खस्ता कचौड़ी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसमें एक चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि ये जो अब इसका पानी जो है पहले उड़द दाल का अच्छे से सूख जाए, तब आप इसमें एक चम्मच घी डाल दीजिए ताकि आपको ये स्टोर करके रखना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो उड़द दाल है एकदम लो फ्लेम में बहुत ही अच्छे से भुनना है, तभी ये जो उड़द दाल की कचौड़ी होती है अच्छी बनती है और महीनों ख़राब नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये उड़द दाल को बहुत ही अच्छे से आपको भुनना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो अब आपका जब भी मन करेगा उड़द दाल की कचौड़ी खाने का, तो अगर आप इस तरह से उड़द दाल की कचौड़ी बनाएंगे तो आप इसकी स्टफिंग बना के स्टोर कर लेंगे महीनों। आप जब भी मन करेगा फटाफट, ना आपको दाल भिगोने की झंझट है ना कुछ करने की, फटाफट ये कचौड़ी आप बना के खा सकते हैं बस 20 मिनट में। तो अब देखिए, इसमें से हल्की हल्की सी महक आ रही है। ये देखिए, अब इसमें से हल्की हल्की सी महक आने लगी है। तो लेकिन अभी भी इसमें नमी है क्योंकि ये उड़द दाल को मुझे स्टोर करके रखना है। तो जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए तब तक हम इसे बहुत ही अच्छे से भुनेंगे, इसमें कोई भी नमी ना रहे। ये सब चीज़ों का ध्यान रखने हैं कि उड़द दाल भुनते समय कोई भी नमी ना रहे। और इस उड़द दाल को भुनने में मुझे पूरा टोटल 12 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये अच्छे से नीचे से आपको दिख रहा होगा कि ये भुन के ये लगने लगा है। अब इसमें से बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है, यानी ये उड़द दाल परफेक्ट भुन के रेडी हो चुका है। गैस को बंद कर देना है, ठंडा करके इसे मिक्सर जार में इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, इसकी बहुत ही अच्छा सा इसमें देख रही है, इस महक आ रही है और ये इसका पाउडर मैंने बना लिया है। तो मैंने बताया बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार ये उड़द दाल की कचौड़ी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसका पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे महीनों स्टोर करके रखेंगे। तो इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में देखिए हमने क्या क्या डाला है। तो सबसे पहले देखिए, हम डालेंगे एक चम्मच सौंफ पाउडर। तो ये देखिए, मैंने एक चम्मच सौंफ पाउडर डाल दिया है और एक चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। और ये देखिए, एक चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर। और ये देखिए,
एक बड़े चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालें, तो इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है। और अब हम डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं ना, तो वो हम डालेंगे। तो इसको हमको 1 महीने स्टोर करना है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला सोडा और 1 चम्मच नमक। और देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें डालना है हींग, तो बस इसमें हम डालेंगे हींग। हींग से इसकी बहुत ही अच्छी सी महक आती है, तो जब भी कचौड़ी बनाएं तो हींग ज़रूर डालें। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कभी भी आपका कचौड़ी खाने का मन करे तो बस ये मसाला उठाइए और फटाफट टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी बनाइए, वो भी हलवाई स्टाइल का। तो ये अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और ये मसाले महीनों ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे किसी भी कंटेनर में, इस तरह से किसी भी कंटेनर में हम भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आपको ढक के रखना है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी कचौड़ी बनाना है तो इस तरह से आप एयर टाइट डब्बे में से निकालिए, इस तरह से ये मसाला निकालिए और आप इसको बनाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच ये ले रही हूँ मसाला, ये उड़द दाल का जो मसाला है 4 बड़े चम्मच मैंने ले लिया है, 4 से 5 बड़े चम्मच, जितना लोगों के लिए आपको बनाना है उतना ले लीजिए। और बाकी को आप अच्छे से एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लीजिए। तो ये देखिए, अब हम इसमें क्या डालेंगे, बस आपको डालना है इसमें पानी, क्योंकि सारी चीज़ इसमें मिक्स है। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पानी डालना है। तो ये देखिए, ये इस तरह का लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि ये उड़द दाल अभी थोड़ी फूलेगी। तो अब आगे के प्रोसेस में, तो उधर मैंने 5 से 10 मिनट फूलने के लिए रख दीजिए और इधर मैंने मैदा ले लिया है। और अब हम इस मैदे में बहुत ही अच्छे से मोयन डालेंगे। तो जितना अच्छा मोयन डालेंगे उतनी बढ़िया ये खस्ता कचौड़ी बनेगी। तो मैं यहाँ पर देसी घी यूज कर रही हूँ, 4 से 5 बड़े चम्मच आप ये घी डाल दीजिए, रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी टेस्टी हलवाई स्टाइल ये खस्ता कचौड़ी बनती है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर अगर आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आप आटे का बना लीजिए, लेकिन कचौड़ी जो है मैदे की ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मैदा लिया है और ये मैंने होममेड मैदा लिया है, आटे से कैसे मैदा बनाते हैं तो इसकी भी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथों से बहुत ही अच्छे से इससे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनने लगे कि आपका मोयन जो है परफेक्ट है। तो अब हम इसमें, ये देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका। अब इसमें हम पानी डाल के, और न इसका ज़्यादा हार्ड डो बनाएंगे न इसका एकदम सॉफ्ट, जैसे मीडियम आप आटा लगाते हैं सेम उस तरह का आप परफेक्ट डो लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसका एक परफेक्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी खस्ता ये कचौड़ी मात्र 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, ये आटा भी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। और ये देखिए, ये उड़द दाल जो है काफ़ी अच्छे से फूल जाती है 5 मिनट में, इसीलिए मैंने ये खाने वाला सोडा डाला था। तो बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल दे रहे हैं ताकि ये और फूले। तो ये सब चीज़ों का मैंने बताया कि आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी कचौड़ी बने, वो भी फटाफट, ना अब आपको दाल भिगोने की झंझट है ना कुछ भी करने की झंझट है। तो ये देखिए, ये आटा भी रेडी हो चुका है, स्टफिंग भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो जब कचौड़ियाँ बनाने लगे तो 1-2 बार आप इसको और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मसल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मसल लिया है और अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोइयाँ बना के रख लेंगे। तो ये सारी लोइयों को इस तरह से आपको बना लेना है। और अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो देखिए, आप हाथों में घी लगा लीजिए
और जिस तरह से हलवाई बनाते हैं सेम उस तरह से बनाएंगे। इस तरह से आपको अच्छे से फैला लेना है। तो अब देखिए इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए आपको अच्छे से इसमें स्टफिंग भर लेना है और इस तरह से पूरा ऊपर तक कवर कर लेना है। तो ये देखिए मैंने ऊपर तक ऐसे कवर कर लिया है। और अगर आपका एक्स्ट्रा आटा बचता है तो आप इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये देखिए एक्स्ट्रा आटा जो भी है आप इस तरह से निकाल दीजिए और हाथों से इस तरह से हाथों से आपको दबा दबा के ये कचौड़ी बनाना है, ना बेलना है ना कुछ भी। आप आसानी से इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए ये इस तरह से आपको ये कचौड़ियाँ बना लेनी है। जितनी बड़ी कचौड़ियाँ बनानी है आप उस तरह से ऐसे हाथों से फैला के बना लीजिए। तो बस इस तरह से आपको सारी कचौड़ियों को बना के रख लेना है। ये देखिए इस तरह से कचौड़ियों को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी चार कचौड़ियों को बना लिया है और अब इसे अब इस कचौड़ियों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में तेल मैंने डाल दिया है और कचौड़ी तलने के लिए तेल कम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो तेल अभी कम गर्म है। इस तरह से आप जिस भी बर्तन में आप छानते हैं इस तरह से रख लीजिए, डायरेक्ट मत डालिए। तो ये देखिए इस तरह से, और मैंने बताया कि तेल जो है बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अब देखिए इस तरह से जब ये हल्का हल्का सा फूलने लगे तो ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि हल्का हल्का सा फूलने लगा है। तो अब ये देखिए आपको दिख रहा है कि फूलने लगे, तब आप इस तरह से निकाल लीजिए। और ये कचौड़ी बहुत ही फूली फूली क्रिस्पी बनती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। टेस्टी क्रिस्पी हलवाई जैसे जब आप कचौड़ियाँ बनाएं तो आप डायरेक्ट मत डालें और गैस का फ्लेम लो रखें, तभी आपकी जो कचौड़ी है खस्ता क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए ये कचौड़ी फूली फूली एकदम हलवाई स्टाइल की बन के रेडी है। तो ये एकदम परफेक्ट सिक चुकी है। तो अब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिए। तो बस देखिए इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली हलवाई जैसी बन के रेडी हो चुकी है और इस तरह से हम इसे निकाल ले रहे हैं। इसी तरह बाकी कचौड़ियों को भी आप निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम फूली फूली हलवाई स्टाइल की फटाफट कचौड़ी बन के तैयार है मात्र 20 मिनट में। तो यहाँ पर ये देखिए ये टेस्टी क्रिस्पी हलवाई स्टाइल की कचौड़ी बन के तैयार है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या आप इसे सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम इसको आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि कितनी टेस्टी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए ये एकदम खस्ता एकदम हलवाई स्टाइल की ये कचौड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब ना दाल भिगोने का झंझट, बिना बेले ये टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी तैयार है। थैंक यू फ्रेंड।